लॉकडाउन में गरीबों के मददगार बने भगवान। जी हाँ, आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है गरीबों का, क्योंकि उनको तो रोज खाना है, रोज कमाना। ऐसे में लॉकडाउन ने गरीब आदमी की तो कमर ही तोड़ दी है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की सरकार को आदेश दिए गए थे कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, लेकिन उसके बाद भी गरीबों को खाना नहीं मिल पा रहा, लोग भूख से तड़पते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन रोड का है, जहां पर कुछ गरीब लोग आटा मांग कर लाते हैं। उसके बाद उन्होंने गणेश भगवान की फोटो के ऊपर आटे को रखकर गूंथना शुरू कर दिया। उसके बाद जब आटा गूंथ लिया तो किसी तरह लकड़ी इकट्ठा कर ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि पेट कुछ भी करा सकता है, ये हमने आज देख ही लिया और समझ भी लिया। जिसका कोई नहीं होता उसका तो ऊपर वाला होता है। उनके पास ना तो कोई तवा था, ना ही कोई चकला था और ना ही कोई आटा गूंथने की बारात थी। उसके बाद भी उन गरीब लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आटा गूंथ कर लकड़ियां इकट्ठी कर रोटी बनाने लगे। जब ये सारा वाक्य हमारे कैमरे में कैद हुआ तो हमें भी महसूस हुआ कि गरीब अपनी जिंदगी को कैसे व्यापन करता है। लगातार 23 दिन का लॉकडाउन हो चुका है और उन गरीबों का कहना है कि हमें कोई भी खाना देने नहीं आया। हम खुद ही आसपास के घरों में जाकर लोगों से आटा मांग कर लाते हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। देखिए किस तरह लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। अगर यही स्थिति रही तो गरीब तो जल्दी ही भूखा मर जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं यह नज़ारा, जिसको देखकर आपके भी आंखों में पानी गिरने लगेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोनू। अच्छा, आप ये जो खाना बना रहे हो, सरकार की तरफ से जो लोगों के लिए खाना भेजा जा रहा है, कि आपको खाना नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा भैया। अच्छा, कब से यहाँ पर आप रहते हो? हमें जब से बनपा चला है यहाँ आए, पुलिस वाले भगाते थे। चलिए ठीक है, आप जो आटा लेके आए हो, आपने आटा गूंदा है, आटा कहाँ से मिला आपको? ये मांग के लाए, ये गली मोहल्लों में जाते हैं वहाँ से मांग के लाते हैं। कोई पैसा कैसे कारोबार के लिए पैसे कहाँ से आए बताओ। ठीक है, आपने रोटी बनाई है, रोटी खाओगे किसे? ये आप मांग के लाके सब्जी शाम टाइम जाएंगे मंदिर पे, मस्जिद में वहाँ से मांग के लाए गए, मोहल्लों में जाते हैं सब्जी मांग के लाते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही भैया, और वे तो उल्टे पुलिस वाले शाम खाते हैं, हम भगाते हैं यहाँ से, यहाँ से जाओ बताओ हम कहाँ जाएंगे भैया।